हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद रचना मैम। आवर टुडेज टॉपिक इज क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लर्नर्स, जैसा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं स्क्वायर क्यूब्स एंड देयर रूट्स, उसी का ही ये नया टॉपिक मैंने लिया है क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले मैंने आपको क्यूब रूट बताया था, है ना, और सब्ट्रैक्शन मेथड जो हम लोग ने किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ने सब्ट्रैक्शन मेथड से देखा था कि कैसे हम लोग उससे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। लेकिन उसको जब हम लोग ने देखा तो उसमें हमें क्या लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था, है ना। तो आज हम लोग नया ये टॉपिक देख रहे हैं क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमें टाइम उसके अपेक्षा कम लगता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में हम देखें तो हमारा टाइम कम लगता है और ये हमारा जो मेथड होता है वो हमें काफी इजी पड़ता है, ठीक है। तो आज हम आपको ये बताएंगे और इससे आपको बाकी भी जो आपके सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, आप मोस्टली सवाल इसी से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इजी पड़ता है। और वो भी जो आपको सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाया था, सब्ट्रैक्शन मेथड वाला, उसे भी आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको डेली ही वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके साथ मैं पूरा कोर्स सिलेबस आपका कवर करूंगी और आपको डेली ही वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ मैं संडे को छोड़कर। और सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलती है। आपने अगर मेरे चैनल अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है 1728 और हमें इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। हम लोग ने स्क्वायर में भी यही मेथड अप्लाई किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, है ना। तो यहां पर भी हम यहां पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब रूट फाइंड करने के लिए फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन इसका होगा। तो हमें इसका जब फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इसका फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम फैक्टर अप्लाई करते हैं 1728, यानी 1728 के फैक्टर करते हैं। इवन नंबर है, यानी ये 2 से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, तो 2 से करेंगे। 2 8 16 होता है, 2 8 16 हो जाएगा। यहां पर कितना बचा, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 12, और यहां 8 है, 2 4 12, सॉरी 2 4 8, ठीक है। अभी भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, अभी भी 2 से जा सकता है, 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। बच्चों, कई लोग अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे आया, तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 2 को अगर हम डिवाइड करें, 1728 है ना, इस तरह से डिवाइड करें 2 से, तो 2 8 16 ही तो आएगा, 2 8 16 आएगा, यहाँ 1 बचा, तो तभी मैं यहाँ पर आपसे बोलती हूँ 2 8 16, यहाँ 1 बचा। अगला नंबर हम 2 उतारते हैं तो 12 हो जाता है ना, तो 2 6 12 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 6 लिखा था। फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग 8 उतारते हैं तो फिर 2 4 8, ठीक है। तो यानी जो हमारा क्वेश्चन आता है हम लोग वो चीज यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिये, ये भी इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 2, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 1 2 के टेबल में नहीं आएगा, यानी नेक्स्ट नंबर हमें उतारना पड़ेगा 6, उसके लिए पहले 0 लगाएंगे, 2 8 16, ठीक है। अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 5 10, 2 4 8, फिर से 2 2 4, 1 बचा, 1 4 14 हो गया, 2 7 14, अब ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, अभी हमारा 2 से नहीं डिविजिबल हो सकता, 3 से होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिए, यहाँ पर इसके फैक्टर फाइंड कर लिए, है ना। तो हमने इसके क्या फाइंड कर लिए, फैक्टर फाइंड कर लिए। अभी हम इसका क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं 1728 का, यही तो हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसके फैक्टर इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिखा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे 2 हैं, और 3 कितने हैं, 3 टाइम्स हैं,
तो 3 × 3 × 3। अब जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो स्क्वायर रूट का मतलब मैंने बताया था, जब दो मतलब जब एक पेयर होता है तब एक बाहर निकलता है ना, पेयर मतलब दो होते हैं जब कोई नंबर सेम, तब एक बाहर निकलता था। लेकिन यहां पर हम क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, तो क्यूब का आपको पता है जब कोई चीज नंबर तीन बार लिखी होती तब उसका एक बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 2 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, तो यहाँ एक बार हम 2 बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 2 3 टाइम्स है, क्योंकि हम ये क्यूब निकाल रहे हैं इसलिए एक बार क्यूब बाहर आएगा, और यहाँ 3 × 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर कुछ नहीं बचा, ये हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। यानी कि हमारा ये जो हमें क्यूब रूट फाइंड करना था 1728 का, तो वो किसका क्यूब रूट है, 12 का क्यूब रूट है। आप देख रहे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हो गया ये हमारा सवाल, है ना। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत ही इजी मेथड है, इससे हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे वहां पर, लेकिन हम दो नंबर होते थे तब उसका एक लेते थे बाहर, है ना। यहाँ पर हमारा क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 का हम एक बाहर लेंगे, ओके, तो आप समझ गए। चलिए इसी तरह, अगर ये तो हमारा सिंपल सवाल था, अगर इसी तरह हमारे पास डेसिमल का नंबर हो, है ना, तो अगर डेसिमल हो तो उसको हम लोग कैसे क्यूब रूट फाइंड करेंगे, चलिए वो हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेसिमल में है नंबर, है ना, 15.625 का हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे देखिए हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल को हटाना होगा, ठीक है। तो डेसिमल को आपको पता है कि कभी भी जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो जिस टाइम डेसिमल हटाते हैं उसके जस्ट नीचे हम वहां पर 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0, 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 0, यानी अपॉन में ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब भी हम डेसिमल को हटाते हैं, अभी यहाँ डेसिमल था ना, अब ये डेसिमल हम हटा रहे हैं, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो उसके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं डेसिमल के बाद उतने 0 हम नीचे लगा देते हैं, तो यह हमारा उतना 0 आ गया, यानी कि 1000 हो गया, ठीक है। तो यानी हमें अब हमारा ये नंबर क्या बन गया, ये हमारा क्यूब रूट बन गया। ये क्यूब किसका हमें निकालना है, 15625 upon 1000। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग न्यूमरेटर का कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर का कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग उसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखा है 15625, इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर हम 1000 लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ 1000 के फैक्टर फाइंड करने हैं हमें। तो चलिए ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर दोनों का लिख लिया मैंने, ठीक है। अभी सोचिए ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अगर हम सम करें जैसे 6 + 2 6 + 2 8 और 1 9 9 5 5 10, 9 और 10 हमारे पास कितना हो गया, 19 हो गया। यानी इसका सम अगर हमने किया 19 आया, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, 5 से, तो 5 × 3 = 15, यहाँ 5 × 1 = 5, यहाँ पर कितना बचा, 1 और 2 = 12 हो गया, 5 × 2 = 10, यहाँ कितना बचा, 2 × 2 = 25, 5 × 5 = 25 हो गया, ठीक है। अगेन ये 5 से डिविजिबल हो सकता है, तो 5 × 6 = 30, यहाँ हमारे पास 1 बचा, 1 और 2 हमारे पास कितना हो गया, 12, तो 5 × 2 = 10, यहाँ 2 बचा, 2 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, अभी भी ये 5 से जाएगा, 5 × 5 = 5, यहाँ 1 बचा, 1 × 2 = 12 हो गया, 5 × 2 = 10, यहाँ 2 बचा, 2 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, हाँ आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको ये तो आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो आप डिवाइड करके भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों आपको ये चीज मेंटल करना पड़ेगा, ये चीज मेंटल कैलकुलेशन आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फिर से यहाँ देखिए, 5 से डिविजिबल होगा तो हमें यहाँ पर वही डिवाइड भी करना है, ठीक है। 12 आ जाए तो 5 × 2 = 10 आ सकता है ना, तो 12 माइनस करेंगे, 12 में से 10 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 और 5 = 25 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 से करेंगे, 5 × 5 = 5, ठीक है। तो ये हमने किसके निकाली है, न्यूमरेटर का हमने फैक्टर फाइंड कर लिया, अभी हमें डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड करना है। तो यार ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 × 5 = 10 और 2 × 0, ठीक है। फिर से 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 × 2 = 4, 1 बचा, 1 और 0 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 = 0, फिर ये 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पर बचा, 2 × 5 = 10। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब तो ये 5 से हो सकता है, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से होगा, 5 × 5 = 25, फिर 5 से होगा, 5 × 5, ठीक है, क्योंकि हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं,
क्यूब रूट ऑफ 15625 अपॉन में 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यूब रूट करेंगे। अब यहाँ पर 15625 है, तो इसका देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारा क्या है 5 है, और अपॉन में अगर हम देखें 1000 में तो 2 3 टाइम्स है, 1 2 3, और 5 भी हमारा कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, पेयर अप करना होता है, यानी कि 3 3 का हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। ये 3 है तो 1 5 12 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 3 है 5 है ना, यहाँ पर भी देखिए 3 का बन गया, तो यहाँ एक और 5 न्यूमरेटर में बाहर आ गया, ठीक है, क्यूब रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 2 बार है, तो 2 3 बार है तो 2 बाहर आ गया, यहाँ 5 3 बार है तो 1 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 5 5 25, कितना हो गया 5 5 25, और 5 2 10। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमारा क्या आ गया, 25/10 आ गया। तो हम इसका क्यूब रूट बहुत आसानी से हमने फाइंड कर लिया, इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 25/10। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए 1000 है, ठीक है, अगर आप ये 1000 लिखा हुआ है तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 भी लिख सकते हैं ना, तो ये 10 का पेयर बन गया, 3 times 10 लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो 1 10। ये चाहे आप ऐसे करिए और चाहे आप फैक्टर करके करिए, बात एक ही है, ठीक है, चाहे आप फैक्टर करके फाइंड करिए, चाहे आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए कि अच्छा यहाँ पर 3 0 है, यानी कि 10 × 10 × 10 है, और हमें 3 ही चाहिए होते हैं, अगर 3 है हमारे पास तो उसका 1 बाहर आ जाता है, तो 1 10 बाहर आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। चलिए एक देखते हैं, अगर हम लोगों के पास मल्टीप्लाई में 2 नंबर दिए हों और उसका क्यूब रूट पूछा हो तो वो कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा ये अलग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 2 नंबर हमें दिए हुए हैं ना, एक 125 दिया हुआ है और एक 1331 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और इसका हम फिर क्यूब रूट कैसे फाइंड करें, बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगी। बच्चों जैसा कि आप खुद देख पाते हैं कि मैथ्स की मैं आपको वीडियो पूरी एक्सप्लेन करके बताती हूँ, इवन साथ में सॉल्व करते करते बताती हूँ, पहले से सॉल्व करके अगर मैं रख लूंगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा उतना, है ना, तो इसलिए मैं साथ साथ में सॉल्व करती जाती हूँ, साथ साथ में आपको समझाती जाती हूँ। तो बच्चों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, और क्वेश्चन का आप रिप्लाई जरूर किया करिए, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि आपको वीडियो से कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको वीडियो से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हाँ मुझे, मैंने वीडियो, कई बच्चे होते हैं ना वीडियो देखा, हाँ समझ में आ गया, मैम ने अच्छा पढ़ा, समझ में आ गया, लेकिन जब करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की वजह से नहीं कर पाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस से बच्चों इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस मैथ के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वो उतना ही ज्यादा आएगा। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो मैं क्वेश्चन देती हूँ उसे जरूर करिए, और मुझे बताइए कि आपको आया कि नहीं आया। आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं देखती हूँ कमेंट में बहुत से बच्चे हैं जो एकदम सही रिप्लाई करते हैं, और मेरे वीडियो का हर उसमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते हैं कि मैम आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, मैम आपकी वीडियो में जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका ये आंसर है, इसका मतलब उन बच्चों को आ रहा है। तो बच्चों आप लोग भी करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लगता है एक ही क्वेश्चन करने में, तो उसका आप करके मुझे रिप्लाई दे सकते हैं, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई लगाए ना, तो पहले हम लोग 125 का निकाल लेते हैं, फिर 1331 का निकाल लेते हैं फैक्टर। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके पेयर करके उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका, यहाँ हमें सबसे पहले किसका निकालना होगा, 125 का, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 125 का निकालेंगे, और यहाँ पर हम निकालेंगे 1331 यानी 1331। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वैसे तो बच्चों आपको मैंने कहा था कि आपको क्यूब रूट लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक सभी को लर्न होने चाहिए, तो आप लोग लर्न कर लीजिए, आपको ये फिर कहना ही निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये किसका क्यूब रूट है। चलिए फिलहाल मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये 5 से डिविजिबल होगा तो 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से होगा तो 5 5 25, 5 से होगा तो 5 5 5, यानी 125 हमारा 5 का होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको देखते हैं, ये हमारा किससे जाएगा, 3 3 6 7 8, बच्चों ये हमारा जाएगा
11 से, क्योंकि ये 11 का ही क्यूब होता है। ठीक है, तो चलिए करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 11 वनजा क्या हो गया, 11 टू बचा, 2 और 3 23, 11 टू जा 22, 1 बचा 1 1 11, 11 वनजा 11। ठीक है, अब ये एक और बार 11 से जाएगा, 11 वनजा 11, 1 बचा 1 1 11, 11 वनजा 11। अब ये फिर से 11 से जाएगा, 11 वनजा 11। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, फैक्टर फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालना देखिए कितना ज्यादा आसान हो गया। यहाँ पर क्यूब लिखा, यहाँ लिखा 125 और 1331। ठीक है, तो अब इसके हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फैक्टर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर 125 का क्या आया, 5 × 5 × 5, है ना, और फिर क्या लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई। फिर यहाँ 1331 11 × 11 × 11 आया, 11 × 11 × 11। तो यहाँ पर देखिए ये 3 का पेयर 5 का हुआ, तो यहाँ पर हम एक 5 बार आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 11 का हुआ तो यहाँ पर हम 11 लिख लेंगे, और 11 फाइव हमारा क्या होता है, 55। यानी ये जो हमारा नंबर इतना बड़ा सा दिया हुआ था दो नंबर का मल्टीप्लाई, वो किसका हमारा क्यूब रूट था, 55 का क्यूब रूट था। आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों सेम इसी तरह से अगर ये नंबर, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले डेसिमल वाला करवाया था, है ना, तो जैसा कि डेसिमल वाला होता है सेम उसी तरह से क्वेश्चन अगर ये वाला है, यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ 3375 यानी 3375/4096 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है, जैसा मैंने आपको अभी डेसिमल वाले में बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ना, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर दोनों का आप अलग अलग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर उनका 3-3 का पेयर करके एक बाहर निकाल लेंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बच्चों आज का आपका क्वेश्चन यही है, ये जो डी वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसे आपको अपने कॉपी में, एक रफ कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, और रफ कॉपी में सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे डायरेक्ट आंसर बताएंगे इसका। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। बच्चों वीडियो में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका रिप्लाई आप जरूर कमेंट बॉक्स में किया करिए, जिससे मुझे और इवन आपको खुद को भी पता चल सके कि आप कितना सीख रहे हैं, और मुझे पता चल सके कि मेरे बच्चों को कितना आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, थैंक यू।